आमिर खान की पीके तो आप सबने देखी होगी, किस तरह अपने गोले पर वापस जाने के लिए उसने हर मंदिर का दरवाजा खटखटाया था, और तो और हर भगवान को फूल माला, यहां तक कि मन्नत का धागा भी बांधा। वहीं ओएमजी में भी परेश रावल ने ये सवाल उठाए कि क्या सच में भगवान जल दूध प्रसाद और पैसे से खुश होते हैं, क्या वाकई में उन्हें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब एक और जहां हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान हमें देते हैं, तो क्या उसी भगवान को हमसे ये सब लेने की जरूरत पड़ती है। वेल, इन मूवीज ने आपके और हमारे मन में ऐसे अनगिनत सवाल पैदा तो कर दिए हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं दिए। तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब साथ में मिलकर ढूंढते हैं। अच्छा सोचिए, आपका बेटा विदेश में रहता है और वो आपसे मिलने सिर्फ एक दिन के लिए आ जाए, आते ही आपके पैर छुए, आपको 4-5 हजार रुपए दे, ढेर सारे मेवा मिष्ठान दे और फिर तुरंत अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाए, आपको कैसा लगेगा कि जिस बेटे का इंतजार आपने पूरे साल किया वो आया भी तो सिर्फ एक दिन के लिए, और उसमें भी वो आपके पास बैठा ही नहीं, उसने आपको साथ समय नहीं बिताया बल्कि अपने दोस्त यारों के साथ घूमने निकल गया। ठीक ऐसा ही लगता है जब आप भगवान को उनकी ही दी चीजें चढ़ाते तो हैं, लेकिन उनके साथ कभी समय नहीं बिताते। जल्दी जल्दी मंदिर में गए, सब कुछ चढ़ाया और बस वापस आकर अपनी दुनिया में फिर से बिजी हो गए। दरअसल आप ये बात भूल जाते हैं कि ये सब कुछ भगवान के लिए एक फॉर्मेलिटी से ज्यादा और कुछ नहीं होता। जी हाँ, क्योंकि जिस तरह आपके माँ बाप को आपका प्यार और साथ चाहिए होता है, ठीक वैसे ही भगवान भी सिर्फ आपकी भक्ति और भावना के भूखे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंस नहीं रखता कि आप उन्हें क्या चढ़ा रहे हैं, बल्कि ये महत्व रखता है कि आप किस भाव से चढ़ा रहे हैं। आप मंदिर में कितनी देर रुके, आपने कितनी देर भगवान को याद किया, उनका जाप किया, उनकी सच्चे मन से पूजा की, ये सब चीजें महत्व रखती हैं, ना कि फूल माला प्रसाद और पैसा। जरा सोच के देखिए, जिसने आपको ये सब कुछ दिया, क्या उसके पास किसी चीज की कमी होगी? नहीं ना, तो फिर वो आपसे ये सब लेकर क्या ही करेंगे। असल में वो तो बस ये देखते हैं कि आपके भाव कैसे, क्या आप उन्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए याद करते हैं, या फिर वो वाकई आपकी जिंदगी का एक खास हिस्सा है। क्योंकि आप में से ज्यादातर लोग भगवान को तभी याद करते हैं जब उनकी जिंदगी में कोई समस्या आती है, तभी वो भगवान को 56 तरह के भोग लगाते हैं, मन्नत का धागा बांधते हैं, यहाँ तक कि नारियल भी फोड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है वो तुरंत भगवान को भूल जाते हैं। अब ऐसे में भगवान पर सवाल उठाने से अच्छा होगा कि आप खुद से ये सवाल करें कि जो आपके सिर्फ प्यार का भूखा है, क्या आप उससे साफ मन से प्रेम करते हैं या नहीं। लाखों लोग देखिए रोज माला फूल भगवान पर चढ़ाते हैं और इस बात में पूरी सच्चाई, लेकिन उनमें से कितने दिल साफ हैं ये तो आप सब खुद जानते ही होंगे। अब अगर आप ये बात समझ गए हैं तो आपको बता दें कि जब भगवान खुश होते हैं तो वो आपको कई तरह के संकेत भी देते हैं। जी हाँ, जिसमें से पहला संकेत ये है कि आपका असफल होना। अभी सुनने में आपको भले ही अजीब लग रहा हो, पर ये सच है। आप में से बहुत लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भला आपकी असफलता के पीछे भगवान का क्या ही इशारा हो सकता है। पर कहते हैं कि बार बार मेहनत करने के बावजूद भी अगर आप फेल हो जा रहे हैं तो समझ जाइए कि भगवान आपको आपके जीवन का सही उद्देश्य बताने की कोशिश करें। लेकिन अपनी दिक्कतों में आप इतना उलझ जाते हैं कि उसे समझ ही नहीं पाते, जबकि भगवान कहते हैं कि अगर आप उनके इशारों को समझ लें तो आपको वो जरूर मिल जाएगा जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जिंदगी में इतनी बार हारे होंगे कि अब उन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं रह गया होगा, वो सोच रहे होंगे कि अब वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपको बता दें कि आपकी ये परिस्थिति भगवान का एक संकेत है कि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने आपके लिए कुछ इससे भी बेहतर अच्छा सोच रखा है। समय आने पर आपको भी उसका पता चल जाएगा, लेकिन तब तक आपको भगवान पर भरोसा रखकर खुद में धैर्य रखना होगा। वैसे आप में से बहुत बार लोगों ने सुना होगा कि अगर उम्मीदें टूट जाती हैं तो इंसान के अंदर फिर कुछ नहीं बचता, पर धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि ये संकेत है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप सोच रहे होंगे आखिर वो कैसे, दरअसल इस संकेत में एक बहुत गहरी बात छिपी होती है। देखिए, जानकारों की माने तो जब सारी उम्मीदें टूट जाती है ना, तभी इंसान के अंदर एक नई खोज शुरू होती है, क्योंकि तब वो अपने अंदर की कमियों को ढूंढता है और ये पता करता है कि कमी कहाँ रह गई थी। इन सारे सवालों का जवाब मिलते ही व्यक्ति खुद से जुड़ने लगता है। बता दें कि मनुष्य की नई खोज ही
उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। अब अगला संकेत है दुख का चरम सीमा पर पहुंच जाना। आप सबने टीवी पर महाभारत कई बार देखी और सुनी होगी। उसमें आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण ने हमेशा कुंती और उसके पांचों पुत्रों का साथ दिया। लेकिन अगर आप इसके दूसरे पहलू पर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा साहब कि पांडवों का जीवन हमेशा दुखों से घिरा ही रहा। महल होते हुए भी उनका जन्म जंगल में हुआ। महल आए भी तो अपने ही भाई उन्हें दुश्मन समझने लगे। फिर वनवास मिला, महाभारत का युद्ध लड़ा, यानी कि भगवान साथ तो थे पर फिर भी ये सब हुआ। तो अगर आपके जीवन में सब कुछ बुरा चल रहा है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि उस वक्त वो आपको यही बता रहे होते हैं कि आप भौतिक सुखों से आगे बढ़कर वैराग्य की दिशा में चलना है, जो कि वास्तव में असली सुख है। अब इसके अलावा भगवान के आपसे खुश होने का एक संकेत चरित्र में बदलाव आना भी है। जी हाँ, यानी कि अगर आप अपने चरित्र में बदलाव महसूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि भगवान आपके साथ है, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को पहचान कर उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप में आए जो बदलाव है वो आप खुद भी महसूस कर पाएंगे, जिसके बाद एक ऐसा समय आता है जब आप किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके होते हैं। ये वो समय होता है जब आप खुद पर पहले से कहीं ज्यादा भरोसा करने भी लगते हैं और आपका ये भरोसा ही आपकी ताकत बनता है। वही दोस्तों, आपकी आस्था का डगमगा जाना भी एक तरह का इशारा ही है। ये संकेत है कि आप या तो अमीर होने वाले या फिर बिल्कुल गरीब। यानी कि अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों ही परिस्थिति ऐसी है जब आपको लगेगा कि अब आपको किसी की जरूरत नहीं। या तो आप धन दौलत और शान और शौकत से घिर जाएंगे या फिर ये सारी दुनिया आपको बेकार लगने लगेगी। बता दें कि आपके मन में जब भी ये भ्रम पैदा होगा आप ईश्वर को थोड़ा और अपने करीब पाएंगे। अब आखिरी संकेत है भगवान पर भरोसा। दोस्तों, कई बार मेहनत करने के बाद जब आपको सफलता नहीं मिलती तब आप थोड़ा निराश होकर सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं, और ये वो समय होता है जब आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देते हैं बिना फल की इच्छा किए, क्योंकि आप खुद को पूरी तरह से भगवान को सौंप देते हो। जिस दिन आपके जीवन में ये पल आ जाए, जब आप खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, तो समझ लीजिए कि भगवान आपके साथ है और अब आपका कुछ बुरा भी नहीं हो सकता। वैसे तो दोस्तों, आप लोगों की विश लिस्ट काफी लंबी होगी। कई लोगों को अपने लिए सुंदर कन्या चाहिए होगी, तो कईयों को नौकरी के लिए माथा टेकने के लिए मंदिर जाना होगा। किसी को संतान का सुख चाहिए तो किसी को बड़ा घर चाहिए। पर कहते हैं कि एक चीज ऐसी है जो भगवान से कभी भी मांगनी नहीं चाहिए। देखिए, मान्यता है कि भगवान से कभी भी भूलकर भी बेटे को पाने की प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप संतान सुख के लिए ईश्वर के सामने हाथ जरूर जोड़ सकते हैं, लेकिन संतान के रूप में सिर्फ पुत्र की मांग करना वो भगवान को नाराज करने के बराबर माना जाता है। यूं तो आपने बहुत बार सुना होगा कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, कई बार बोला भी होगा। ऐसे में आप भगवान से उनकी ही देन के साथ इस तरह का भेदभाव करने को कैसे कह सकते हैं? शास्त्र कहते हैं कि ईश्वर कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। यानी कि जब आप उनसे इस तरह की इच्छा बताते हैं तो उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाता। वैसे अगर लोगों से पूछा जाए कि उन्हें पुत्र क्यों चाहिए तो सबका सिर्फ एक ही जवाब रहता है कि भाई, हमारी मौत के बाद हमारा अंतिम संस्कार तो कौन करेगा। शव को अग्नि बेटा ही तो देता है, पिंड दान करता है, अगर वो नहीं होगा तो हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। पर आपको बता दें कि इसकी असली वजह कुछ और ही होती है। दरअसल, समाज के तानों से बचने के लिए वो बेटा चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो लोग उन्हें ताना मारेंगे। वहीं एक फायदा वो ये भी देखते हैं कि उन्हें बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। तो बता दें कि बेटा ना होने की वजह से महिलाओं पर इतना दबाव बनाया जाता है कि वो खुद को भी अभागिन समझने लगती है। अब जरा सोचिए, शास्त्रों में जिस स्त्री को देवी बताया गया है उसे इस हद तक मजबूर कर दिया जाता है कि वो खुद को निकम्मी और नकारा समझने लगती है। अब अगर देखा जाए तो बेटा तो मीराबाई के भी नहीं था, तो क्या वो अभागिन है? ऐसा नहीं। असल में देखा जाए तो अभागन वो नहीं है जिसके बेटा नहीं है, बल्कि अभागन वो है जिसके बेटे तो हैं पर एक भी बेटा भगवान में मन नहीं लगाता। ऐसे माता पिता अभागिन हैं जिनकी औलाद भगवान से दूर है। आज के मॉडर्न जमाने में लोग इस बात को मानते नहीं, लेकिन असल में भाग्यशाली वही हैं जो इस कलयुग में भगवान की शरण लिए हुए हैं। बेटे का सहारा वही लोग करते हैं जिन्हें भगवान पर भरोसा कभी नहीं होता, क्योंकि जो भगवान का सहारा ले लेता है फिर उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। उसकी सारी चीजों का ध्यान ईश्वर खुद रखते हैं। आज के कलयुग में ऐसी कई माएं हैं
जिनके चार चार पांच पांच बेटे हैं, लेकिन वो भगवान की सेवा तो क्या, अपने माँ बाप की सेवा तक नहीं कर पाते और एक समय के बाद उन्हें अपने ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। इसलिए कभी भी इस बात के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए कि मेरा बेटा नहीं है। अगर मानोगे तो प्रभु राम और श्री कृष्ण आपके ही तो बेटे हैं। कहते हैं ना कि भगवान को जिस रूप में पूछते हैं वो उसी रूप में आपको मिल जाते हैं। अब अगर आपका ईश्वर आपके साथ है तो आपको दुनिया में किसी और बेटे की क्या जरूरत, उनका हाथ पकड़ लीजिए, आपको किसी बात की चिंता की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगली बार अगर मंदिर जाएं तो ये फालतू की कामना लेकर नहीं, बल्कि भगवान का शुक्रिया अदा करने की इच्छा से जरूर जाएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे पेज यानी द डिवाइन टेल्स को फॉलो करें। और हाँ, कॉमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।